गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल, मैं आपको दूंगा CDP का प्रैक्टिस सेट। समझ में आया आप सब लोगों को। इसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं कितनी मिनट में होता है। बने रहिए हमारे साथ, शेयर वेयर कर दिया करो, मन कर जाएगा कभी कभी तो कर लो। ठीक है, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ इसकी PDF ना कल से डाली हुई है। पहला क्वेश्चन, बुद्धि की क्षैतिज वृद्धि कहाँ तक कब तक होती है। दो तरीके की तो होती है, एक तो होती है लंबवत वृद्धि, ये होती है किशोरावस्था तक। एक पूछता है क्षैतिज वृद्धि, ये होती है जीवन पर्यंत। ठीक है, याद रखना। ठीक है, लंबवत वृद्धि किशोरावस्था तक, क्षैतिज वृद्धि जीवन पर्यंत। ठीक है, नेक्स्ट, कार्की सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा नहीं आता, कौन सा नहीं आता बताओ। कार्की सिद्धांत के अंतर्गत द्वितत्व आता है, त्रिस्तरीय आता है, त्रिआयामी। त्रिस्तरीय किसने दिया, कैरोल। कैरोल गिलिगन मत समझ लेना, वो कोहलबर्क को क्रिटिसाइज किया था उसने, वो अलग है, ये कैरोल अलग है। ठीक है, त्रिआयामी किसने दिया था, गिलफोर्ड। ठीक है, द्वितत्व का स्पीयरमैन, ये जो है ना पास, PASS, पास मॉडल, ये कार की सिद्धांत तो में नहीं आता, ये दास ने दिया था। किसने दिया था, दास ने। आंसर हो जाएगा इसका अभी। नेक्स्ट, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके लिए किया गया। बिने साइमन पहली बात तो देखो 1905 में आया, कितने थे इसमें, 30 प्रश्न थे। 1908 में रिपीट हुआ, तब इसमें कितने प्रश्न थे, 59 थे। 1908 में मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया, मानसिक परीक्षण पूछ ले तो वो कैटल ने दिया। ये 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था, किसके, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए। अब पूछ ले क्या कि 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए और क्या चीज़ थी बताओ। यानी तो एक काम करो, 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए बिने साइमन था, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर किसने प्रयोग किए, प्याजे ने। किसने, प्याजे ने। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हिंदुस्तानी बिनेस परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इसका निर्माण किसने किया था। इसका निर्माण किया था CH राइस ने। CH राइस ने 1922 में हिंदुस्तानी परीक्षण का भी निर्माण किया था, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अच्छा, इन तीनों ने ना इसमें बिने साइमन में संशोधन किया था स्केल में, स्केल में नहीं मतलब बिने साइमन परीक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट, पेपर पेंसिल परीक्षण क्या है। देखो दो तरीके के होता है बुद्धि परीक्षण, एक तो होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। ठीक है, तो अशाब्दिक वाले हैं ये पेपर पेंसिल परीक्षण, ये किससे होता है, अशाब्दिक होता है, तो चित्रांकन करने में यूज होता है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों परफॉर्मेंस के, निष्पादन के। ठीक है, ये किसका है, ये पेपर पेंसिल है। चित्र किससे बनाओगे, पेपर पेंसिल से तो बनाओगे, आकृति वगैरह या वस्तु संयोजन इसमें तो हाथ से उठा के रख दो, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मतलब पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटी शस्टर ने दी थी, कितनी बताई हैं, 7 बताई हैं। थॉर्नडाइक ने 1898 में बुद्धि के 3 क्या बताए थे, मुख्य नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। वैसे गॉड नियम भी दिए इन्होंने, कितने दिए, 5। ठीक है, विनय को सिद्धांत क्या कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, निरंकुशवादी। ठीक है, याद रखना। स्पीयरमैन का क्या है, जी कारक और एस कारक। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया, त्रिस्तरीय मॉडल दिया था किसने बताओ। कैटल ने तो दिया नहीं, कैरोल ने दिया, कैरोल थोड़ी देर पहले बता रहा था ना वो। गिलफोर्ड ने क्या दिया, देखो इन्होंने ना 3D मॉडल दिया, उसमें इन्होंने बताया संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया को क्या कहते हैं बताओ, संक्रिया को कहते हैं ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, इसके अंतर्गत तो 4 थे, 5, 4, 6 इस तरीके से बांटा, जो आप अपसारी, अभिसारी, मूल्यांकन, ज्ञान, स्मरण वो सब पढ़ते हो वो सब इसके अंतर्गत आता है। प्रणाली जो पढ़ते हो वो आपके प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो आप पढ़ते हो ना व्यवहारिक और व्यवहारिक विषय वस्तु वो सब किसके अंतर्गत आता है, वो सब आता है कंटेंट के अंतर्गत। ठीक है, कैटल ने क्या दिया था, कैटल ने 16 PF सिद्धांत दिया था, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि बताई। तरल बुद्धि कहाँ से मिलती है हमें, जन्मजात मिलती है, ठोस बुद्धि हम अर्जित करते हैं। नेक्स्ट,
पास मॉडल किसने दिया था? मैंने कहा था ना, पास रखो एक दास, पास रखो एक दास, पहले दास प्रथा चलती थी ना, तो पास दास ऐसे याद हो। ईस्टर्न वर्ग का क्या है? ईस्टर्न वर्ग ने ना त्रितंत्र सिद्धांत दिए, ठीक है, प्रोसेस थ्योरी दी है, किसकी? मेमोरी की। तीन तरीके की बताइए, ए सी पी, ठीक है। पी से बताओ क्या बताया, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, तीन तरीके से, ठीक है, याद रखना। और बियॉन्ड आईक्यू इनकी किताब है, कौन सी? बियॉन्ड आईक्यू, ठीक है। और इन्होंने और क्या दिया? इन्होंने दिया है लव थ्योरी दी है, कौन सी? लव थ्योरी, लव थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, ठीक है, ये भी याद रखना। हैव ने का खा का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट कैसा था? कैटल ना सामूहिक था और अशाब्दिक था, कैसा था? सामूहिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट, कैटल ने ना मानसिक, एक मानसिक आयु तो दिया था बिने ने, मानसिक परीक्षण दिया था कैटल ने, याद रखना। बैचलर वैल्यू परीक्षण किस कैसा था? बैचलर वैल्यू बताओ, बैचलर वैल्यू परीक्षण कैसा परीक्षण था? तो ये था आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, कैसा था? शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, कैसा? चिल्ड्रन के लिए। तो ये किससे मतलब इसकी आयु क्या थी? इसकी इसकी आयु पूछ रहा है, तो इसकी आयु हो जाएगी आपकी कितनी बताओ? 5 से 15। कितनी हो जाएगी? 5 से 15। नेक्स्ट, अब देखो, अब पूछ रहा है बैचलर वैल्यू जो एडल्ट के लिए जो लेके आए थे, 5 से 15 पहले बता दी मैंने आपको, तो अब ये हो जाएगी 16 से 64, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? अधिकतम होता है आपका किशोरावस्था में। किशोरावस्था को तनाव और तूफान का काल किसने कहा है? स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल की कौन सी किताब है? एडोलसेंस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, किशोरावस्था में ना 44% हो जाता है मांसपेशियों का वजन, शुरुआत में 24% रहता है, ये भी याद रखना। इसमें से कौन सी बुद्धि व्यक्ति के आयु के अभिवृद्धि के साथ नहीं रुकती? तो भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि की सबसे पहले बात की थी जॉन मेयर एंड पीटर साल्वे ने, और सबसे ज़्यादा इसे प्रसिद्धि दिलाई किसने? डैनियल गोलमैन ने, ठीक है। इनकी एक किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने उसमें 5 बताए प्रकार, ठीक है, बुद्धि के, और इन दोनों ने कितने बताए? इन दोनों ने 4 बताए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गोलमैन के अनुसार देखो दोबारा वही क्वेश्चन आया, कितने भाग होते हैं भावात्मक बुद्धि के? ये होते हैं 5। अच्छा, पीटर साल्वे और जॉन मेयर के हिसाब से कितने होते हैं? 4 या 5, ये क्वेश्चन आपके लिए, मैंने तो ऊपर ही बताया है, अच्छे से देखा है तो बताओ। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत में आता है? संज्ञान किसके में आता है? संज्ञान, स्मरण, अपसारी, अभिसारी, मूल्यांकन, ये सब किस में आता है? गिलफोर्ड के में आता है। गिलफोर्ड के कौन सा? गिलफोर्ड के में देखो ये 3 थे ना, एक तो था कौन सा, सबसे पहले आएगा कंटेंट, पहले आएगा ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट, ऑपरेशन में मतलब संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, संक्रिया के अंतर्गत 5 आते हैं चीज़ें, तो उसके अंतर्गत आता है ये संज्ञान, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्लोड और क्रिस्टल ये किसका है बताओ? ये दोनों कैटल का। प्रतिदर्श ये थॉमसन का। समूह कारक किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। अच्छा, ये आप बताना समूह कारक किस सिद्धांत किसका है, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमी बुद्धि के सिद्धांत में विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है? तो ऊपर बताया था ना प्रणाली, ये किसका है? ये तो उत्पाद का घटक है। बाकी प्रतीक, व्यवहारिक, शाब्दिक, ये सब किसके हैं? ये सब है आपके विषय वस्तु के। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार लोग निम्न में से किससे सीखते हैं? सुदृढ़ीकरण, दंड, अवलोकन, तीनों से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? तीनों से। अच्छा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? बंडूरा का है। बंडूरा ने और क्या दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। ये जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत 1986 में दिया था, और बंडूरा कहाँ का है? कनाडा का। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप हैं इनके। नेक्स्ट, इसमें से नोम चोमस्की का योगदान नहीं है, किसमें है बताओ? जन्मजात होती है, सही बात है। अधिग्रहण से होता है, सही बात है। मौजूद होता है, सही बात है। देखो केबल आ गया ना, केबल से ही निकाल सकते हो इसमें आंसर डी। सिंथेटिक स्ट्रक्चर ये किताबें इनकी, किसकी? नोम चोमस्की की। डीप लर्निंग थ्योरी और नेटिविस्ट थ्योरी, ये दोनों किसकी हैं? चोमस्की की हैं, याद रखना। नेक्स्ट, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्या बताओ? इंग्लिश में देख लेते हैं। अच्छा, ये पता क्या कह रहा है?
देखो इंग्लिश में देखने से फ़ायदा होता है ना। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी चार कंडीशन होती हैं, तो चौथी कंडीशन क्या होती है? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, चौथी बताई थी ना, चौथी क्या होगी? मोटिवेशन। क्या होगी? मोटिवेशन, प्रेरणा होगी, सॉरी क्या होगी? मोटिवेशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, हॉबर्ट गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई नई बुद्धि, नई बुद्धि कौन सी बताई बताना उन्होंने? उन्होंने बताई प्रकृतिवादी नेचुरल बुद्धि 1998 में। कौन सी बुद्धि है? हो गई थी आठवीं बुद्धि। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये हॉबर्ट गार्डनर की किताब है, ठीक है, याद रखना। अब देखो विश्लेषण, रचनात्मक, व्यवहारिक, ये तीनों तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि है, ठीक है, बियॉन्ड आईक्यू जिनकी किताब है। नेक्स्ट, देखो जब एक बच्चा अवधारणा को सीखते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं अभ्यास के द्वारा त्रुटियों को कम करते हैं। कि किसकी बात कर रहा है? अभ्यास की बात कर रहा है। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तीन नियम किसने दिए थे? थोंडाइक ने नहीं दिए थे, याद नहीं? चीन पे आज कहाँ के थे? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक भी कहते हैं ना, स्विट्जरलैंड के थे, जूलॉजिस्ट थे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं ना। बार्टसन कौन थे? व्यवहारवादी थे, व्यवहारवाद का जनक बार्टसन। ठीक है, बाह्य दर्शन किसने दिया? बार्टसन। अंतरदर्शन किसने दिया? बुंट। दोनों याद रखना। चीन प्याजे ने चार अवस्थाएं बताई थी, इंद्रिय जनित, पूर्व संज्ञात्मक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, इनकी किताबें कौन कौन सी? चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ये याद रखना। और कौन सी है? मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, एक है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वो किसकी है? कोलबर्ग की है। नेक्स्ट, किसी मानक के प्रति छात्र के उपलब्धि स्तर को श्रेणीबद्ध रखने हेतु शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है ना, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, या उसे सबमिटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। और पूरी साल भर जो चलता रहता है ना असेसमेंट फॉर लर्निंग चलता रहता है, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसमें फीडबैक भी होता है, क्या देते हैं? फीडबैक। अब सबमिटिव और में फीडबैक नहीं देते, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, एक चरण जिसमें एक बच्चा वस्तु घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं बताना? इसे कहते हैं सर प्लीज़ कम, सी से हो जाएगा, सर प्लीज़ कम फास्ट, इस तरीके से कॉन्क्रीट हो जाएगा। चरण कौन सा हो जाएगा? कॉन्क्रीट। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मल जो प्री ऑपरेशनल है ना, इसमें एनिमिज्म आ जाता है, ईगो सेंट्रिक आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है इसमें? होता है एनिमिज्म, ईगो सेंट्रिक, सेंसरी मोटर ना, इसकी 6 सब अवस्थाएँ इसमें ना, वस्तु स्थायित्व आ जाता है 18 से 24 माह के बीच में बच्चे में, ठीक है, ये भी याद रखना। अमूर्त सोचना चालू कर देता है औपचारिक में, ठीक। और इनके ये प्याजे के दिए हुए चार चरण हैं, और इन्होंने प्याजे ने किस पर भी काम किया? मोरल थ्योरी पे भी काम किया, नैतिक विकास पे भी काम किया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आकलन के लिए आत्मसात, समंजस, ये सब देखो, द एस्पेक्ट ऑफ अडेप्टेशन इन विच प्रोसेस ऑफ ब्रिंग असिमिलेशन और अकोमोडेशन को बैलेंस करने को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं, संतुलन कहा जाता है इसे, ठीक है, प्याजे की थ्योरी का ही मतलब। एक होता है असिमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। जो जैसा आपने देखा वैसा का वैसा कर लिया, अपने स्कीमा में डाल लिया, वो असिमिलेशन। आपने स्कीमा को बदल लिया तो वो होता है अकोमोडेशन। इन दोनों में संतुलन बनाता है इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखो, वर्ड रिकॉग्निशन, स्पेलिंग और कॉम्प्रिहेंशन, ये सब किससे रिलेटेड होता है? डिस्लेक्सिया से होता है, डिस्ग्राफिया लिखने से होता है, कैलकुलिया किससे होता है? मैथ से होता है, डिस्प्रेक्सिया किससे होता है? डिस्प्रेक्सिया, ये आप बताओगे डिस्प्रेक्सिया ना किसका है, कैसा विकार है, ये आप बताना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है अंकगणितीय विकार कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, मैंने ऊपर ही बताया क्या है, तो आप बताना इसे, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावी शिक्षण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय है? सबसे उपयुक्त कौन सा है? वास्तविक जीवन से जोड़ दो उन्हें, जो कुछ भी पढ़ाओ। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं फिर बच्चे। छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को निम्न में से कौन सी विधि अपनानी चाहिए, बताओ? सारी विधि अपनाओ, बाल केंद्रित, प्रशंसा, यथार्थवादी अपेक्षा। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रायड के द्वारा मन मानस के कितने पहलू बताए गए? चेतन, अचेतन, अवचेतन, तीन बताए। कितने बताए? तीन। इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन ये चीज़ें भी दी इन्होंने, ठीक है। और एक चीज़ याद है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, गत्यात्मक मनोविज्ञान, इन सब के जनक हैं। गत्यात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। लिबिडो पर काम किया था। एरोस, थानोटोस, दो तरीके की लाइफ स्टिंग बताई थी। एरोस क्या होती है? जीवन मूल प्रवृत्ति। थानोटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और एक चीज़ याद रख लेना कि साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी, ठीक है,
इनकी बेटी थी अन्ना फ्रेड, उसने क्या दिया था, अहम मनोविज्ञान दिया था, ठीक है ये भी याद रखना। नेक्स्ट, जे वी वाटसन ने बच्चे के जन्म के समय भय, क्रोध, प्रेम, तीन प्रकार की वो बताई थी ना भावनाएं मौजूद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार की स्मृति को संदर्भ स्मृति कहते हैं, देखो विच टाइप ऑफ मेमोरी टेक स्पेशल अकाउंट, इसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी, क्या होती है एपिसोडिक मेमोरी होती है, हिंदी में देख लेना प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार वर्गीकरण कौन सा नहीं होता, थॉर्नडाइक ने कौन कौन सी बुद्धि बताई थी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, मूर्त को यांत्रिक या व्यवहारिक भी कहते हैं, तो इन्होंने तार्किक थोड़ी ना बताई थी, याद रखना आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, एक इंजीनियर एक विशेष कार्य करता है, एक मशीन का निर्माण कर रहा है, तो संज्ञानात्मक डोमेन किसने दिया था, ब्लूम ने, कब दिया था 1956 में, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन अप्लाई एनालिसिस सिंथेसिस एवेल्यूएशन ये दिए थे ना, तो इसमें क्या कर रहा है, सृजन कर रहा है, कुछ बना रहा है। नेक्स्ट, हॉबर गार्डनर के बहुबुद्धि आठ प्रकार की बताई ना, इसके अनुसार चिकित्सक में कौन सी होती है, चिकित्सक में कैसी होगी बताओ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा, थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट कौन होता है, जो आपकी बातों को समझता है, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल, कौन सी हो जाएगी इसमें, इंटरपर्सनल। नेक्स्ट, प्याजे ने माना कि बच्चे विश्व की समझ विकसित करते हैं, कैसे, सक्रिय रूप से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की त्रुटियां क्या संकेत करती हैं, बच्चों की त्रुटियां संकेत करती हैं कि उनके सोचने की प्रक्रिया की अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद, 1912 में आया था, किस कौन लेके आया था, बर्दीमन, किसने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए इसमें, कोहलर ने, किस पे किए, चिंपैंजी, क्या नाम था, सुल्तान, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, कोफ्का की किताब, ठीक है ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आज आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद ये किताब किसने लिखी है, कोफ्का ने लिखी है, कोहलर ने लिखी है, बर्दीमन ने लिखी है, ठीक है ये आप लोग बताना, बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।